हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम पर सीडिया सीएपीएफ एफकैट एग्जाम प्रेप एग्जाम पर सीडिया सीएपीएफ एफकैट एग्जाम प्रेप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आ जाइए जल्दी जल्दी, कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, जल्दी जल्दी जो है आप लोगों के कमेंट आने चाहिए भाई। सारे लोग जो है फटाक से कमेंट करना शुरू कर दो। और आप लोगों के लिए एक बेहद शानदार खुशखबरी भाई, आप लोगों के डिमांड पर ये जो स्पेशल 45 का जो ऑफर है वह आज जो है और एक्सटेंड किया गया है। 45% का अनबिलीवेबल ऑफर है, आप सभी कोर्सेज पर एग्जामपुर के 45% का ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद महेंद्र कुमार जी, अंकित वाकडे जी, तनु कुमारी जी, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू भाई। आ जाइए सारे लोग, जल्दी जल्दी जो है सभी कमेंट करना शुरू कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर करना शुरू कर दीजिए। और आप लोगों के लिए ये अनबिलीवेबल ऑफर जो सभी कोर्सेज पर 45% का ऑफ है ये बढ़ा दिया गया है आज के लिए, तो जरूर से जरूर इसके 73rd रिपब्लिक डे के अनबिलीवेबल ऑफर का लाभ उठाइए। आ जाओ सारे लोग, सभी के सभी लोग जो है आ जाओ, है ना, सब के सब आ जाओ यहां पर, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जय हिंद पवन कुमार जी, प्रद्युम्न प्रजापति जी, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू भाई। जल्दी जल्दी सारे लोगों के कमेंट आने चाहिए, जल्दी जल्दी लाइक शेयर सबके आते रहने चाहिए, है ना। गुड इवनिंग विनय गौर जी भाई, जल्दी जल्दी जो है आप लोगों के सबके कमेंट दिखने चाहिए, तो फटाक से सारे लोग आ जाइए और सेशन को हम शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा, द डिक्लाइन ऑफ नंदास। कल मैंने 20 प्रश्न आप लोगों को कराए थे, उससे आगे की कहानी चलते हैं लेकर के। मैंने कहा है कि ऐसे प्रश्न हैं जो आपके अंकों को बढ़ाएंगे और इसी सीरीज को लेकर के आगे चल रहे हैं। इस वीक ऐसे प्रश्न आपको कराए जाएंगे जो आपके अंकों को बहुत बढ़ा दे, और पूरे हिस्ट्री को कवर किया जाएगा, एंशिएंट से शुरुआत किया गया है और इसको मॉडर्न तक पूरा लेकर के आएंगे। पहला प्रश्न है, द डिक्लाइन ऑफ नंदास एट द हैंड ऑफ कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन विविडली पोर्ट्रेड इन द संस्कृत प्ले रिटेन बाय कालिदास। कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंदों के पतन का कालिदास द्वारा लिखित संस्कृत नाटक में स्पष्ट रूप से चित्रण किया गया है, इन विच प्ले, कौन से नाटक में, ठीक। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, आपके ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मालविक अग्निमित्रम, मृक्ष कटिका। कमेंट करें कौन से पुस्तक में यह जो है वर्णित किया गया है भाई, जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट आने चाहिए और सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए सारे लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से जो है आंसर करिए यहां पर, फटाक से आप लोगों के आंसर आने चाहिए। आपके ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मालविका अग्निमित्रम, मृक्ष कटिका। कमेंट आप लोगों के आने चाहिए यहां। भाई आप लोग कमेंट करें, सारे लोग आ जाइए जल्दी जल्दी, शेयर करना शुरू कर दीजिए सारे लोग, ठीक है, सारे लोग शेयर कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि बहुत ही आसान सा सवाल ये था, और इतने आसान से सवालों पर बहुत सारे लोगों का डैमेज हो जाना कतई समझ में नहीं आता है।
यहां पर अगर हम देखें तो शुंग वंश के पतन की कहानी तक मालविका और अग्निमित्र की जो कहानी है वह सब लिखा गया है। मालविका अग्निमित्रम एक नाटक है जो कि कहा जाता है कि फर्स्ट संस्कृत प्ले है, विच वॉज रिटन बाय कालिदास। ठीक है, फर्स्ट संस्कृत प्ले है, पहला संस्कृत का नाटक है, इसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। ये मालविका और शुंग शासक अग्निमित्र की कहानी है और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल पर आते हैं। आफ्टर द कलिंग वार अशोका डिसाइडेड नेवर टू वेज एनी वार बिकॉज। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने ये तय कर लिया कि वह कोई और युद्ध नहीं लड़ेगा, अब युद्धों में शामिल नहीं होगा या उलझेगा नहीं। आफ्टर द कंक्विस्ट ऑफ कलिंगा द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ मौर्य इंडिया हैड बीन अचीव्ड। कलिंग के विजय के पश्चात मौर्यों का भारत का राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अशोका फील्ड अपोलोजेटिक अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल ऑन बोथ साइड इन द वॉर। अशोक अपने आप को अपराध ग्रस्त महसूस कर रहा था दोनों पक्षों के हुए मनुष्यों और वस्तुओं की हानि को देख करके युद्ध के दौरान। He was moved by violence, slaughter and suffering to the combatants and non-combatants in the war। यह अहिंसा रक्तपात और दुख को देख करके दोनों पक्षों के लोगों को देख करके बौद्ध धर्म की ओर जो है मुड़ा और ऐसा इसने किया। शॉर्टली आफ्टर द वॉर ही अडॉप्टेड बौद्धिज्म विच वॉज अपोज टू वायलेंस। युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया जो कि अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाई जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट आने चाहिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए सारे लोग, सभी के सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक और शेयर सारे लोग करते रहिए, सभी लोग जो है लाइक शेयर करते रहिए सेशन को। कमेंट करिए गाइस। नहीं, मुद्रा राक्षस वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कुल के बारे में लिखता है, ठीक है, और किसी चीज के बारे में नहीं, कुल के बारे में उसके लिखता है, बाकी चीजों के बारे में नहीं लिखता है। भाई जल्दी जल्दी कमेंट आने चाहिए। देखिए यहां पर आसान से सवाल पर ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बी सी डी सब लगाए पड़े हुए हैं। देखिए पहला तो ये समझिए कि भारत का राजनीतिक एकीकरण पूर्ण नहीं हुआ था तो ये कारण नहीं हो सकता है। अशोका वो मनुष्य और मटेरियल्स की जो हानि हुई है उससे अपराध मुक्त नहीं है, सेना वगैरह बना के रखा हुआ है। इवन आटविक प्रजाति के लोग जो अफगानिस्तान में विद्रोह करते हैं तो उनको संदेश भी भिजवाता है, मत भूलो मैं वही अशोक हूं, मैं फिर से शस्त्र उठा सकता हूं। तो विद्रोहियों को वह बोलता है कि मत भूलो मैं अशोक हूं, पहले भी युद्ध लड़ा हूं, फिर से हथियार उठा लूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। बौद्ध धर्म से ज्यादा तो जैन धर्म में अहिंसा की बात कही गई है, तो बुद्धिज्म की अहिंसा यह जो है मध्यम प्रतिपदा पर चलती, मध्यम प्रतिपदा की बात करते हैं। खास बात समझिए कि उसका हृदय द्रवित हो गया दोनों तरफ के खून रक्तपात को देख करके, और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति इसीलिए अपनाया। सो सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर ऑफ इंडिया फेमस फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस एंड डायलॉग्स With a Buddhist monk Nagsen as described in the Buddhist work Milind Panhovas। भारत का सबसे प्रसिद्ध हिंद यवन शासक जो न्याय की भावना
और बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद के लिए प्रसिद्ध था, जैसा कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में वर्णित है। उसका नाम था डेमेट्रियस मिनेंजर यूक्रेटाइडिस हेलिसियस। कौन था? हेलियोक्लीस, यूक्रेटाइड्स, मेनेंडर, डेमेट्रियस। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये तो आप में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल है। कहा जाता है कि हिंद यवन शासक इंडो ग्रीक रूलर मिनेंडर यह बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ अपने प्रश्नों को रखता है और उसके बाद बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लेता है, बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लेता है नागसेन के प्रभाव में आकर। इसीलिए और यह पहला ऐसा शासक है हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड क्वाइन, ये पहला ऐसा शासक है जिसने सोने के सिक्के चलवाए थे इंडिया में। अगला है द ग्रेटेस्ट क्लेम टू फ्लेम ऑफ सातवाहना इज ऑन अकाउंट ऑफ, सातवाहनों की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा दावा किसके कारण है? आपके ऑप्शन है परसुइंग अ टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी एंड गिविंग कॉमन पैट्रोनाइज टू बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, एक सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन करना और बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को सामान्य संरक्षण देना। दूसरा एडॉप्शन ऑफ प्रकृत एज देयर कोड लैंग्वेज इन प्रेफरेंस टू संस्कृत, संस्कृत के वरीयता क्रम में प्राकृत को अपनी अदालती भाषा या दरबार की भाषा के रूप में अपना लेना। ग्रेट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ब्रिस्क इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, महान आर्थिक समृद्धि और तेज अंतरदेशीय और विदेशी व्यापार। ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट्स एज एविडेंट फ्रॉम आर्ट ऑफ अमरावती एंड नागार्जुनी कोंडा, भारतीय कला में महान योगदान जैसे अमरावती और नागार्जुनी कोंडा की कलाओं से स्पष्ट होता है। किस कारण से सातवाहन डायनेस्टी के लोग बेहद महत्वपूर्ण है? कमेंट करेगा इस। यहां पर तो भाई आप लोगों ने ऑप्शन में झड़ी लगा दिया है ए सी डी, कोई बी भी लगा दो, अच्छा बी भी लगा हुआ है, तो ए बी सी डी भाई चारों ऑप्शन दे दे रहे हो आप लोग, कोई तो एक सही आंसर करो। भाई कमेंट करके सही आंसर करिए, ऐसे कैसे काम चलेगा कि बी सी डी ए, मतलब आप लोग तय कर लिए हो कि चार लोग मिल करके चार आंसर टिक कर दो, एक तो सही हो जाएगा। देखिए एक खास बात जानिए, सातवाहन अपने देशी और विदेशी व्यापार के लिए जाने जाते हैं और उस दौरान बड़ी तेजी से समृद्धि आई, देश में पैसे का प्रवाह आंतरिक और बाह्य व्यापार की वजह से बहुत तेजी से आया और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यहां पर बड़े पैमाने पर आई। सो सी इज द राइट आंसर, इसीलिए सी जो है वह सही आंसर है कि इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, फॉरेन ट्रेड वगैरह और दक्षिण भारत में सोना बरसा। सो सी इज द राइट आंसर। अगला द बुद्धा, बुद्ध ने क्या किया था इनमें से? रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ कर्म, कर्म के सिद्धांत को खारिज कर दिया। वॉज नॉन कमिटल ऑन थ्योरी ऑफ कर्म, कर्म के सिद्धांत पर गैर प्रतिबद्ध थे। बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्म, कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। सजेस्टेड एन अल्टरनेटिव टू थ्योरी ऑफ कर्म, कर्म के सिद्धांत के लिए एक विकल्प का सुझाव दिया। कमेंट आप लोगों के आने चाहिए भाई, आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। ठीक है, तो
ये पॉइंट को ध्यान में रखिए, कमेंट फटाफट करिए। ये तो आसान सा है, द बिलीव इन कर्मा थ्योरी। ये क्या करते थे भगवान बुद्ध, कर्मा के सिद्धांत पर बहुत विश्वास करते थे। तो सी इज द राइट आंसर, कर्म के सिद्धांत पर बोलते थे कर्म करो, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। और ये बोलते थे कि पुनर्जन्म होता है लेकिन कर्म का। सो सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं, द यूची वेयर ड्रेवन आउट फ्रॉम वेस्टर्न चाइना बाय द हुची द्वारा किसको पश्चिमी चीन से खदेड़ा गया था? हूण, राष्ट्रगुट, राष्ट्रिक, मंगोल, भोजक। किसको जो है वहां से खदेड़ा गया था, पश्चिमी चाइना से? हुची लोगों ने किसको वहां से खदेड़ दिया था? जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट आने चाहिए, नहीं करेंगे नहीं। कमेंट करें, हूण, राष्ट्रिक, मंगोल, भोजक। यूची लोगों को कौन अटैक किया तो ये लोग हट गए? हूण के आक्रमण के कारण पश्चिमी चाइना से ये लोग हटे, यूची लोग। सो ए इज द राइट आंसर, हूणा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ धर्म महामात्रा। निम्नलिखित में से कौन धर्म महामात्रों के कर्तव्यों की व्याख्या करता है? द माइनर रॉ एडिक्ट, लघु शिलालेख, द टू कलिंग एडिक्ट, पृथक कलिंग शिलालेख, अर्थशास्त्र, इंडिका। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ धर्म महामात्रा। मौर्य साम्राज्य में जो धर्म महामात्रों के बारे में चर्चाएं की गई है, उनके कार्यों के विषय में किसमें बताया गया है? कमेंट करें, उनके कार्यों के विषय में किसमें बताया गया है? भाई जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। यहां पर देखिए, धर्म महामात्रों के कार्यों के विषय में लघु शिलालेखों में वर्णित किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है आप लोगों का, लघु शिलालेख ये जो है कई सारे स्थानों पर मिले हुए माइनर रॉक एडिक्ट्स, इन्हीं में महामात्रों और धर्म महामात्रों के बारे में है। सो ए इज द राइट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका डिस्क्राइब द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाई अशोक। अशोक के निम्नलिखित में से कौन से लघु शिलालेख अशोक द्वारा कलिंग की विजय का वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 13, माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 10, माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 11, माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 12। लघु शिलालेख संख्या 13, लघु शिलालेख संख्या 10, लघु शिलालेख संख्या 11, लघु शिलालेख संख्या 12। कौन अशोक के कलिंग विजय का वर्णन करता है? दो जगहों से मिला हुआ है, जौगड़ा एंड समापा। जौगड़ा जिसको समापा कहा जाता है, और धौली जिसको तोसली कहा जाता है, इन दो जगहों से मिला हुआ है, धौली और जौगड़ा से, जिसको आजकल समापा और तोसली के नाम से जाना जाता है। पृथक कलिंग प्रज्ञापन के नाम से भी इनको कहते हैं। अभी कमेंट करिए गाइस। बिल्कुल, जो माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 13 है, दे आर ऑल्सो नोन एज सेपरेट कलिंग इंस्क्रिप्शंस, इनको पृथक कलिंग प्रज्ञापन भी कहा जाता है। और ये धौली जिसको आजकल जो है तोसली नाम से जाना जाता है, और जौगड़ा
जिसको आजकल समापा नाम से जाना जाता है, इन दोनों नामों से मिला हुआ है, धौली और जगड़ा से प्राप्त हुए हैं। सो ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, द साइलेंट फीचर ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन वॉज वर्शिप ऑफ। ऋग्वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता किसकी पूजा थी? आपके ऑप्शन है नेचर, प्रकृति, पाशुपति, त्रिमूर्ति, मदर गॉडेस, मातृ देवी, मदर गॉडेस यानी मातृ देवी। तो ये जो है चार ऑप्शन आपके हैं, ऋग्वैदिक धर्म की विशेषता प्रमुख रूप से किसकी पूजा थी? ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऋग्वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता किसकी पूजा थी? ऋग्वैदिक लोग मुख्यतया किसकी पूजा किया करते थे? नेचर, पाशुपति, त्रिमूर्ति, मदर गॉडेस, मातृ देवी। कमेंट आने चाहिए आप लोगों के। जहां बिल्कुल ऋग्वैदिक लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति के बेहद समीप रहते हैं, प्राकृतिक तत्वों की पूजा किया करते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, सेंट टू द कोर्ट ऑफ, जिसे किसके दरबार में भेजा गया था? आपके ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, पोरस। किसके कोर्ट में मेगास्थनीज को भेजा गया था? यह किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सा है और यह किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सो कमेंट आने चाहिए। बिल्कुल यहां पर समझिए इसको आप, है क्या कि मकदुनिया का शासक, जिसको मैसिडोनिया कहा जाता है, मकदुनिया, मैसिडोनिया का शासक अलेक्जेंडर आता है और भारत में उसकी सेना डर करके ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है, अपना सैनिक लेकर के वो वापस लौट जाता है। बेबीलोन में उसका मृत्यु हो गया, उसके साम्राज्य का बंटवारा हो गया और सेल्यूसिड एम्पायर खड़ा करता ही उसका सेनापति सेल्यूकस, सेल्यूसिड एम्पायर को वह खड़ा करता है। सेल्यूसिड एम्पायर जो सेल्यूकस द्वारा ओपन किया गया, वो सोचता है कि हम इंडिया को जीत लेते हैं, जो काम सिकंदर नहीं कर पाया वो सेल्यूकस करने का सोचता है। भारत पर अटैक करता ही चंद्रगुप्त मौर्य उसको बुरी तरह हराता है। हराने के बाद सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। पुत्री का विवाह कर देना तो काफी नहीं होता है, दहेज भी देना पड़ता है। सेल्यूकस भी दहेज देता है, चार प्रांत देता है चंद्रगुप्त मौर्य को, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरोपोनेसडाई, यानी काबुल, कंधार, हेरात और मकरान देता है। साथ ही एक दूत मेगास्थनीज को इसके दरबार में भेजता है, जो इंडिका नाम से किताब लिखता है और इंडियन सोसाइटी के बारे में विवरण उसमें दिया गया है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द काज ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या था? आपके ऑप्शन है बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय अ प्रिंस। बौद्ध धर्म की स्थापना एक राजकुमार द्वारा की। करप्शन क्रेप्ट इनटू द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। भ्रष्टाचार बौद्ध मठों में घुस गया था। बुद्धा एंड महावीरा वेयर कंटेम्परेरीज। बुद्ध और महावीर समकालीन थे। बुद्धा प्रीस्ड नॉन वायलेंस। बुद्ध ने अहिंसा का प्रचार किया। ये भी किसी का आप में से गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, आंत ज्वर से नहीं मरा था, वो मरा था मलेरिया से, मच्छर के कटने से मर गया था।
ठीक है, वो मच्छर के कटने से, सिकंदर का मृत्यु जो है वो मच्छर के कटने से होता है, तो मच्छर के कटने से वो मरा था। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए। चलो भाई कमेंट कर जो है आप लोगों के आ गए बताते। बौद्ध धर्म तीन चीजों पर आधारित था, तीन वर्ड आप लोग सुनते होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इन तीन चीजों पर बुद्धिज्म आधारित था, बेस्ड था। भगवान बुद्ध चले गए, संघ इसमें करप्शन आ गया तो धम्म चला गया। पूछ रहा है धम्म क्यों गया, बौद्ध धर्म क्यों गया, तो भाई संघ में करप्शन आया तो धम्म गया, बुद्ध गए संघ गए तो धम्म चला गया। यही तीन चीजें थी तो तीनों को लैप्स कर गए तो बुद्ध धर्म का पतन हो गया। अगला, ऑफ द फॉलोइंग कुषाण किंग हु एज्यूम द टाइटल द लॉर्ड ऑफ होल वर्ल्ड, निम्नलिखित कुषाण राजाओं में से किसने संपूर्ण विश्व के राजा या भगवान की उपाधि धारण किया था। आपके ऑप्शन है कटफाइसिस वन, कटफाइसिस प्रथम, कटफाइसिस टू, कटफाइसिस द्वितीय, कनिष्क, हुविष्क। द कुषाण किंग हु एडॉप्टेड द टाइटल द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। कमेंट करें, यहां बहुत सारा कंफ्यूजन है। ढेर सारे लोगों का यह गलत होने वाला है, यह तो तय है, ये तो तय है कि ढेर सारे लोगों का यह सवाल गलत होने वाला है, तो बहुत सोच समझ करके आप लोग आंसर टिक करोगे। बहुत ही सोच समझ करके, है ना, समझ में आया कि नहीं, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पानी, भाई ये सिंपल सा सवाल था, कटफाइसेस सेकेंड, एक नाम है कटफाइसेस सेकेंड, कटफाइसेस द्वितीय। कटफाइसेस द्वितीय की अगर हम बात करें तो ये जो है लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड की उपाधि धारण करता है, सो बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं, जैन संत गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कहां पर है, जैन संत गोमतेश्वर बाहुबली इनकी प्रतिमा कहां पर है। आपके ऑप्शन है माउंट आबू, श्रवण बेलगोला, कुशीनगर, कलिंग। जैन संत गोमतेश्वर बाहुबली, अच्छा लूसेंट जीके, है ना, लूसेंट जीके भी बताया जाएगा नहीं बिल्कुल फिट नहीं है, लूसेंट से पढ़ाई नहीं करो, वो सीडीएस के लिए फिट नहीं है, सीडीएस में थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन आता है, सीडीएस में थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन आता है। बिल्कुल भाई, गोमतेश्वर बाहुबली मूवी देखा होगा आप लोगों ने, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति कहां है, श्रावण बेलगोला में स्थित है, सो बी इज द राइट आंसर, श्रावण बेलगोला। अगले सवाल पर आते हैं, द मॉन्क हूम चंद्रगुप्त मौर्य कैंपेन टू साउथ इंडिया वार्स, चंद्रगुप्त मौर्य जिस भिक्षु के साथ दक्षिण भारत आए वह थे। आपके ऑप्शन है अश्वघोष, वसुमित्र, उपगुप्त, भद्रबाहु।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या है कि अपने अंतिम समय में संलेखना पद्धति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वह कौन सा ऐसा बौद्ध भिक्षु है, सॉरी जैन भिक्षु है, जिसके साथ जो है यह आए थे? आपके ऑप्शन है जैन धर्म का भिक्षु है। इतने हिंट पर आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर बाकी जो ऑप्शन में है वह जो है बौद्ध धर्म के है। तो इससे भी एक हिंट मिला कि भाई आपको यह ध्यान में रखना है कि कौन इसमें जैन धर्म का है, कौन बौद्ध धर्म का है, और वहीं पर आपका आंसर जो है वो कवर अप हो जाएगा। जैन धर्म बौद्ध धर्म को अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपका कवर अप हो जाएगा। सर जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू कर दो। कमेंट करें, बहुत ही आसान सा है और सबके कमेंट आने चाहिए थे। बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर, भद्रबाहु। एक्चुअली मैं अपने जीवन के अंतिम काल में श्रावण बेलगोला चले गए भद्रबाहु के साथ, और वहीं पर संलेखना, स्लो स्टार्वेशन की पद्धति है, धीमे उपवास की पद्धति है संलेखना, और उसी में अगर हम देखें तो संलेखना पद्धति से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए डी इज द राइट आंसर, भद्रबाहु। अगले सवाल पर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मेडिसिन इन एंशियंट इंडिया? निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है धन्वंतरी, सुश्रुत, भास्कराचार्य, चरक। ये तो एक ऐसा सवाल है जिसको क्लास 5th के बच्चे से भी पूछा जाएगा तो वो बता देगा, तो यहां पर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। एक ऐसा सवाल जो क्लास 5th का बच्चा भी बता दे, तो अगर भाई क्लास 5th का बच्चा भी बता देगा तो आपको गलत नहीं करना है, कमेंट करिए गाइस। है ना, आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। बिल्कुल सही है, ये बहुत इजी सा सवाल। भास्कराचार्य जो है ये खगोल वेत्ता है, बाकी सभी जो है ये चिकित्सा से संबंधित है तीनों, बाकी भास्कराचार्य संबंधित नहीं है। अगला, यहां पर दो जो है सूचियां दी हुई हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, और उनके जो पैट्रोनाइज्ड शासक है उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक, कौटिल्या, मेगास्थनीस, बिंबसार और उपगुप्त। दूसरी सूची में मगध राजा, अशोक, अर्थशास्त्र और राजदूत। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे सवालों को आप में से प्रत्येक बहुत इजीली टैकल कर लेता है, सो आसानी से आप कर सकते हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, आप लोगों के कमेंट आते रहने चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करो। कौटिल्य, मेगास्थनीज, बिंबसार, उपगुप्त। चलिए आप लोगों को आंसर यहां पर बताते, बहुत ही आसान सा, कई सारे प्रश्न है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज ये एक एम्बेसडर है, राजदूत है। बिंबसार ये मगध के हर्यंगवंशी राजा है और मगध के साम्राज्यवाद के संस्थापक माने जाते हैं। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया हुआ था, यानी अगर हम देखें तो A का 3 केवल एक में है, सो ए इज द राइट आंसर। अगला, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलाएं, सूची 1 और सूची 2 को दिया गया है। सामवेद, अथर्ववेद, पुराण और उपनिषद दिया हुआ है। इधर लिखा हुआ है कली युग, फिलोसफिकल ट्रीटीज, म्यूजिकल रिंडर, मैजिक एंड स्पेल, यानी कली युग दार्शनिक ग्रंथ संगीतमय रूप से गाया गया, जादू और मंत्र। कमेंट करें, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए।
यह भी एक ऐसा सवाल जो कतई किसी का गलत नहीं होना चाहिए, एक कमेंट आने चाहिए आप लोगों के। आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। चलिए आप लोगों को यहां पर आंसर बता दें। इतना आसान सा सवाल कि कतई गलत नहीं होना चाहिए था। देखिए अगर हम बात करें सामवेदा की, तो सामवेद यह जो है किससे है, म्यूजिकल रेंडर से, भारतीय संगीत यहां पर उत्पन्न माना जाता है। बहुत सारे वैदिक ऋचाओं को गायन पद्धति में यहां पर लिखा गया है। जैसे अगर हम बात करें संगीत की उत्पत्ति, तो ये आरोह और अवरोह की बात करता है, यानी सारे गम प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा की बात करता है। इसमें दो ताल त्रि ताल इन सब का भी वर्णन है, जैसे सारे ग रे ग म ग म प म प ध ध प म प म ग म ग रे ग रे सा सा नि ध नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा, या सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। इस पर जो है जो म्यूजिक हमारा बेस्ड है वो सामवेद से लिया। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो जादू टोने और तमाम सारे मंत्रों का जो है अथर्ववेद में विवरण दिया गया है। और यहां पर जो है बहुत सारी ऐसी चीजें है जो कहा जाता है कि अलग है सोसाइटी से। पुराणों की अगर हम बात करें तो पुराण या जो है कलयुग के वंशजों को बताता है फ्यूचरिस्टिक स्टाइल में, भविष्य शैली में। उपनिषद गुरु के समीप, उप मतलब होता है समीप, निषद मतलब सुन करके, समीप बैठ करके सुन करके जो ज्ञान प्राप्त हो वह उपनिषद है। तो ये ध्यान में रखे रहिएगा, दार्शनिक ग्रंथों से जो ज्ञान प्राप्त हो जाए। सो ए इज द राइट आंसर। अगला, द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड एट द जंक्शन ऑफ गंगा एंड द, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना गंगा और किस शहर के संगम पर हुई थी? सोन, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोमती। यह भी एक ऐसा सवाल है जो सबका जो है सही होना चाहिए। कमेंट करें। कमेंट आप लोगों के आने चाहिए। कमेंट करें गाइस, ये तो कतई आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर बहुत सारे लोगों ने गलतियां कर दी है, बहुत आसान सा सवाल और ढेर सारे लोगों की जो है गलतियां दिख रही। कई सारे लोगों ने सी लगा दिया, कई सारे लोगों ने बी लगा दिया, जबकि गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन द्वारा की गई थी। ये जो है हरियंगा वंश का शासक है उदयन। ये जो है सोन और पाटलिपुत्र, सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को स्टेबल करता है। सो ए इज द राइट आंसर। अगला, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलते हैं? हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा संस्कृति में, चालकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत के चालकोलिथिक संस्कृतियों में, वैदिक टेक्स्ट, वैदिक ग्रंथों में, सिल्वर पंच मार्क क्वाइन, चांदी के छिद्रित सिक्कों में। कमेंट करें कहां पर इनके विषय में हमको जानकारी मिलता है। भाई कमेंट आने चाहिए। भाई सेशन को लाइक और शेयर सारे लोग कर डालो, लाइक और शेयर दिखते रहने चाहिए आप लोगों के। कमेंट करें। अच्छा कोई आइडिया नहीं, चलिए आइडिया देते हैं, गेट आइडिया गाइस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चालकोलिथिक मतलब होता है ताम्रपाषाणिक, और ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में चालकोलिथिक कल्चर भी जो है यहीं पर मिला हुआ था ताम्रपाषाणिक नदियों के साथ साथ तांबे। उसके बाद हमने चांदी का प्रयोग करना शुरू किया है, तांबा चांदी, और फिर उसके बाद गोल्ड की तरफ हम बढ़ते चले गए हैं। खास बात समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अनदर नेम ऑफ पाटलिपुत्र,
निम्नलिखित में से कौन पाटलिपुत्र का दूसरा नाम था? आपके ऑप्शन है पुरुषपुर, कुशीनगर, कुसुमपुरा, हविष्कपुरा। ये तो सबका सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुरुषपुर, कुशीनगर, कुसुमपुरा, हविष्कपुरा। ये आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो गाइस, ये तो आसान सा सवाल है, किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए था। ये देखिए, एक चीज यहां पर समझिएगा, पुरुषपुर पेशावर को कहा जाता है, इसका नाम पेशावर है। कुशीनगर आज भी कुशीनगर कहा जाता है, कुसुमपुरा को कहा जाता है पाटलिपुत्रा, हविष्कपुरा मथुरा का नाम है। ये जो है अलग अलग नाम, सी इज द राइट आंसर। अगला, Who was referred to as Amitraghat by the Greeks? यूनानियों द्वारा किसे अमित्रघात कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदुसार, वासुदेव, किसे अमित्रघात कहा गया है? अमित्रघात यानी जो मित्र नहीं है उसके लिए घातक, कौन है? कमेंट करें गाइस। आप लोगों के कमेंट आने चाहिए। अमित्रघात या अमित्रोचेट्स कहा जाता है मौर्य डायनेस्टी के शासक बिंदुसारा को, उसको सिंहसेन, सिंहनाद, अमित्रोचेट्स तमाम सारे नामों से जाना जाता है। सिंहसेन, सिंहनाद, अलग अलग किताबों में अलग अलग इसके नाम मिलते हैं, कहीं पर सिंहसेन, कहीं पर सिंहनाद, कहीं पर अमित्रोचेट्स। तो ग्रीक लोग जो है बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रोचेट्स कहते हैं, शत्रुओं के लिए घातक कहते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। अगला, करिकाला वाज द सेंटर ऑफ मेनी लीजेंड फाउंड इन, करिकाला में पाई गई कई की वदंतियों का केंद्र जो दिखाई देता है, कौन सी पुस्तक से पता चलता है करिकाला के बारे में, जो करिकाला के विषय में कई सारी जो है की वदंतियां बताता है, कौन सी पुस्तक है? आपके ऑप्शन है मणिमेखलई, शिलप्पाधिकारम, पूर्णानुरु, कुरुन्तोक्कई। कुरुन्तोक्कई, पूर्णानुरु, शिलप्पाधिकारम, मणिमेखलई, किसमें जो है करिकाल के बारे में विवरण दिया गया है? कमेंट करें। जी हाँ, शिलप्पाधिकारम जो कि इलंगो आदिगल द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, उसमें जो है इलंगो आदिगल की इस पुस्तक में करिकाला के बारे में काफी कुछ बताया गया है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कालिदास गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द आंध्रास, कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना आंध्र के बारे में जानकारी देती है? आपके ऑप्शन है शकुंतला, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, कुमार संभव। नहीं भाई, कक्किड़ई मतलब होता है एक पक्षी प्रेम, कक्किड़ई ऑप्शन में ही नहीं था, तो कक्किड़ई जरूर याद रखे रहोगे साउथ इंडिया पढ़ करके, मतलब कक्किड़ई और नक्किड़ई ये तो याद रहेगा ही रहेगा, वो तो भूलना ही नहीं है, कक्किड़ई वगैरह है ना, वो तो कभी नहीं भूलता है, बाकी सब तो उड़ ही जाएगा।
हाँ साउथ इंडिया पढ़ा नहीं होगा, प्रद्युम्न प्रजापति कहाँ समझ में आएगा क्वेश्चन। थोड़ा साउथ इंडिया भी पढ़ लो, वहां से भी, वो भी भारत का हिस्सा है। भारत को जानो पता चलता है, नॉर्थ ईस्ट को नहीं जानोगे, साउथ को नहीं जानोगे, कश्मीर को नहीं जानोगे, जाओ बस वहीं को जानोगे, पूरा भारत जानो, पूरा भारत समझो। पूरा भारत अपना है, हम पूरे भारत के हैं, दिमाग में यह बात रखे रहो। ठीक है, कालिदास के बारे में मालविकाग्नि मित्रम से जानकारी मिलती है, जब मालविका और अग्निमित्र की कहानी में आंध्र भोज के बारे में जानकारी मिलती है। अगला, सातवाहन रूलर वाज एक्सटेंडेड टू द कौरवमंडल कोस्ट बाय। सातवाहन शासन का विस्तार कौरवमंडल तट तक किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है श्री यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ सातकर्णी, पुलुमावी सेकेंड, पुलुमावी द्वितीय, श्री सातकर्णी या सिमुक। कमेंट करें, एक कमेंट आने चाहिए। आप लोगों के कमेंट यहां पर आने चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करोगे इस नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, सिमुक या सिंधुक, ये जो है संस्थापक है, तो इसके टाइम पर कोई विजय वगैरह नहीं की गई है, डायनेस्टी जहां पर थी वहां पर जो है फ्री कर लिया अपने आप को। श्री सातकर्णी पहला ऐसा शासक है जो सातकर्णी की उपाधि धारण करता है। यज्ञ श्री सातकर्णी अपनी नौसेना के लिए जाना जाता है। ये जो पुलुमाई है ना, इसी ने कौरवमंडल तट तक विस्तार किया और उसके बाद यज्ञ श्री सातकर्णी वगैरह नौसेना लेकर के आते हैं। सो बी इज द राइट आंसर, पुलुमाई सेकेंड। अगला, हुज वाज द जनरल ऑफ अपोलोडिटस, अपोलोडिटस का सेनापति कौन था? यूथिडेमस, डेमेट्रियस, डायोडोटस, एंटियोकस। इसमें तो तीन तो लेखक के नाम है, एक ही इसमें योद्धा है, सिर्फ एक योद्धा है, बाकी तीन तो लेखक के नाम है। आसानी से आंसर आ जाना चाहिए। भारतीय धर्म ग्रंथों में दिमित्री नाम से उसको लिखा गया है। भारतीय धर्म ग्रंथों में दिमित्री नाम से उसको कहा गया है। अब तो आंसर आ जाना चाहिए, एपोलोडोटस का सेनापति कौन था जो दिमित्री नाम से जाना जाता है इंडियन बुक्स में? इतना हिंट के बाद तो आंसर आना चाहिए ना आप लोगों का, यहां पर तो भाई गलती नहीं होनी चाहिए ना आप लोगों से, इतना हिंट के बाद तो आंसर आना चाहिए। दिमित्री यानी डेमेट्रियस, बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर, डेमेट्रियस दिमित्री। अगला, हु इरेक्टेड द गरुणा पिलर एट वेश नगर, बेस नगर में गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है भागभद्र, हेलियोडोरस, मेनेंडर, एंटियालकिड्स। कमेंट करें, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करें गाइस। कमेंट करें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और आंसर आना चाहिए यहां पर। कमेंट करें,
आप लोगों के कमेंट जो है आने चाहिए। बहुत ही आसान आसान से सवालों पर इतनी जो है कहा जाता है ना ब्लंडर कर रहे हो आप लोग, तो ये ब्लंडर हो रहा है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि ब्लंडर हो जाए। थोड़ा सा ध्यान रखो गाइस। बेस नगर में गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस ने बनवाया था। ये शुंग शासक था उस समय, किंग था भागभद्र, और ये एम्बेसडर था एंटियाल कीड्स का, इसी का एम्बेसडर था हेलियोडोरस, जो बेस नगर में गरुड़ पिलर को बनवाता है अनुमति लेकर के भागभद्र की। सो बी इज द राइट आंसर। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इन मौर्यन टाइम्स। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में समाज की विशेषता नहीं थी? स्लेवरी, दासता, रिजिडिटी ऑफ कास्ट, जातीय कठोरता, प्रॉस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, विडो रिमैरिज, विधवा पुनर्विवाह। कौन सी जो है विशेषता नहीं है? आशीष विश्वकर्मा जी पूछ रहे हैं, मनुष्य का कंकाल सबसे पहले कहां मिला? ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे। सबसे पहले नर्मदा नदी के किनारे जो है, किस जगह पर पूछ रहे हो? भारत में, दुनिया में, कहां पर पूछ रहे हो, और कौन से के बारे में पूछ रहे हो? किस जगह पर पूछ रहे हो, किस जगह पर? जैसे यूपी में पूछोगे या इंडिया में पूछ रहे हो तो हथनोरा है, तो अलग अलग है। रामा पिथेकस का कंकाल मिला हुआ है, या कहाँ से क्या चीजें मिली हुई, कैसे पूछ रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि किसका कंकाल। हैबिलस का पूछ रहे हो, रामा पिथेकस का पूछ रहे हो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का पूछ रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो? देखिए, स्लेवरी ये नहीं थे। कहता है कि दार्शनिक है, कृषक है, रिजिडिटी बिल्कुल नहीं है, यानी कास्ट की रिजिडिटी तो नहीं थी, तो ये विशेषता है जो रिजिडिटी ऑफ कास्ट। पूछ रहे कौन सा नहीं थी? स्लेवरी ये भी है, प्रोस्टिट्यूशन है, विडो रिमैरिज है, सिर्फ और सिर्फ स्लेवरी नहीं है। मेगास्थनीज दासों का विवरण नहीं देता है। मेगास्थनीज यहाँ के न तो अर्थशास्त्र में दासों के बारे में लिखा हुआ है, और न ही मेगास्थनीज लिखता है, तो दोनों का विवरण नहीं है। दोनों पुस्तकों में स्लेवरी के बारे में नहीं है। सो ए इज द राइट आंसर। कौन सा नहीं है पूछ रहा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थशास्त्र इज नॉट ट्रू। अर्थशास्त्र के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? या वित्तीय सुधार, या राजा के कर्तव्य को निर्धारित करता है, या देश के तत्कालीन आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, या राजनीति के सिद्धांतों को निर्धारित करता है, या वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है? कौन सा सही नहीं है? इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है? कमेंट करें। बेहद आसान सा सवाल है ये, तो गलत नहीं ही होना चाहिए। देखिए, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, लिखी किस पर गई है? पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर लिखी गई। ठीक है, राजनीति में लिखी गई है, और इसमें राजा के कर्तव्यों के बारे में है, तो ये तो है। आर्थिक जीवन का विवरण देता है, बिल्कुल देता है, उस समय के चीजों के बारे में कि कितना टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, सब कुछ बताता है, साथ ही पॉलिटिक्स के बारे में बताता है, सिर्फ इसी को नहीं बताता है।
ये जो है नहीं बताता है। सो डी इज द आंसर। यहां पर पूछ रहा है नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है, डी इज द आंसर, क्योंकि नॉट ट्रू पूछ रहा है। समझो आप लोग प्रश्न को, आप लोग क्या कर रहे हो ना, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ऐसी उलझने आएंगी ही आएंगी, वो तो अनातय है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज, मौर्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वाइड पावर्स इंजॉयड बाय द प्रोविंशियल गवर्नर्स, प्रांतीय राज्यपालों द्वारा व्यापक शक्तियां का प्रयोग करना, द प्रेजेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ वास्ट न्यूमरस पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही की विशाल असंख्य शक्तियों की उपस्थिति, एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ स्पाई सिस्टम जासूसी प्रणाली का एक व्यापक नेटवर्क। कमेंट करें कौन सा एक प्रमुख उपलब्धि है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक्चुअली क्या है ना, कि इतना ज्यादा डिवीजन किया गया है, साम्राज्य इतना बड़ा है और सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, सेंट्रलाइज्ड है, पूरी तरीके से केंद्रीकृत प्रशासन है, और केंद्रीकृत प्रशासन चलाने के लिए बड़े पैमाने पर अफसर्स की जरूरत पड़ती है, ऑफिसर्स की बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ती है, यानी नौकरशाही की विशाल संख्या है और बेहद बड़े पैमाने पर उनकी उपस्थिति, ये ढेर सारी ताकतें है। सो सी इज द राइट आंसर। इसीलिए राजा जो है अपने आप को देवानाम पियदस्सी कहता है, देवताओं का प्रिय राजा कहता है। अगला, द ग्रेटेस्ट शका रूलर ऑफ इंडिया हु वॉज अ ग्रेट कंक्वेरर, भारत के महानतम शासक जो एक महान विजेता थे, इज सेड टू हैव गेन फेम बाय बीइंग वेल वर्स्ड इन ग्रामर, कहा जाता है कि उन्होंने व्याकरण, पॉलिटी, राजनीति, लॉजिक, तर्कशास्त्र, म्यूजिक एटसेट्रा, संगीत आदि में पारंगित होने के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की थी, एंड हैड टेकन अ वॉ Not to kill men except in battle, who was he? और युद्ध के अलावा पुरुषों को नहीं मारने का संकल्प लिया था, वह कौन थे? चष्टन, नहपान, रुद्र सिम्हा, रुद्र दामन। कमेंट करे कौन महान शक शासक है जो ये प्रण लेता है। एक हिंट देते हैं, इनके ढेर सारे क्वाइन जोगल थंबी से मिले हुए हैं। एक प्लेस है जोगल थंबी, वहां से इनके ढेर सारे सिक्के मिले हुए हैं, जोगल थंबी से। इतने हिंट पर अगर कभी आपने ये पढ़ा होगा कि कौन से रूलर के क्वाइंस जोगल थंबी से मिले हैं, तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे ले जाओगे। कमेंट करें इट इज द सेकेंड क्लास, क्योंकि आगे और चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, नहपान जो कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है, वो कहता है युद्ध के अलावा हम पुरुषों को नहीं मारेंगे। जोगल थंबी से इसके ढेर सारे सिक्के भी मिलते हैं। नहपान बी इज द राइट आंसर। भाई आप लोगों के बेहद डिमांड पर जो है छूट बढ़ा दी गई है, और इस छूट का लाभ जरूर उठाए, और इसके लिए आपको भारत 45 कोड का इस्तेमाल करना है, तो कोड को जरूर से जरूर इस्तेमाल करिए आप लोग, और कोर्सेस में एडमिशन लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।